अब रिया चक्रवर्ती वाले मामले में मतलब इतना आपने किसी को नेगेटिव 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 बता दिया कि कोई मेरे ही बारे में बोलने लगे कि मैं इतना घटिया हूँ, तो मैं महसूस करने लगूँ यहाँ मैं ऐसा ही होऊंगा। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले जब ये रिपोर्ट आई है एम्स की, तो पता चला नहीं सुशांत ने सुसाइड ही किया था, क्षण कह लीजिए होता है। लेकिन यहाँ पर फिर वही एक बात है कि अगर आप नहीं चाहेंगे अपने साथ कोई भी गलत काम होना तो कोई कर नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से बात बता दूं, चूँकि शायद लोग अभी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, मेरा गांव बहुत नज़दीक में है, शहीद पथ के पास में खुदई बाजार है। लोग इसको किन्हीं से जोड़ रहे हैं, कोई कहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग वैसे हो गए हैं, तो इस पर थोड़ा सा बातचीत, आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो चंद लोगों की वजह से ये कल्चर वैसा हो रहा है या फिर वास्तविक तौर पे एक ऐसा माहौल डेवलप किया जा रहा है क्या? देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर इंडस्ट्री में इस तरह का माहौल है, लोग नशा करते हैं, लोग ड्रग्स लेते हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि चूँकि सब कुछ बहुत ओपन है, बहुत खुला है, जो कुछ भी हो रहा है वो कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंच जा रहा है, मीडिया का अटेंशन भी हमारी तरफ ज़्यादा है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी निकल के बाहर आ जाती हैं। और कुछ तो लतें बेशक हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी एक ऐसे आप ग्रुप कह सकते हैं जो बने हुए हैं, जो हैं जिनकी वजह से सारी इंडस्ट्री को बदनामी झेलनी पड़ती है कि एक्टर होगा तो ड्रग्स लेता ही होगा, वो नशा करता होगा, या उसके चरित्र पर तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो सब मिडिल क्लास, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से निकल के, छोटे शहरों से निकल के ही वहाँ पे पहुँचे हैं, वो अपना कल्चर अपना रिचुअल्स जानते हैं, फॉलो करते हैं। और नशा करने जैसी चीज़ आपकी बहुत व्यक्तिगत है, आप नशा करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ आप नहीं करते, अब आपकी अपनी ज़िंदगी है मेरी अपनी ज़िंदगी, उसको किसी सोसाइटी से रिलेट कर देना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। फिर जब बॉलीवुड में एक दो घटनाएं घट जाती हैं तो उनको बहुत हाइप दे दिया जाता है। मीडिया ट्रायल के बारे में थोड़ा सा भी, जैसे सुशांत वाला मसला हुआ तो उस पर लोगों ने पहले ही एक रिया चक्रवर्ती के प्रति एक नेगेटिव इमेज बना कि नहीं ये तो बिल्कुल वैसा है, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा मीडिया ट्रायल को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं मीडिया ट्रायल को लेकर मेरा एक ही सवाल है कि भाई जब कोर्ट है, जब फॉरेंसिक लैब है, जब CBI है, बहुत दूसरी जाँच एजेंसीज हैं, तो आप उन्हें मौका दीजिए, वो जांच करेंगी, वो बताएंगे कि ये घटना हुई थी या ये घटना नहीं हुई थी। जब मीडिया एक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एक नेगेटिव इमेज बना देता है, उसके बाद अगर पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट CBI कोई अपनी जांच प्रस्तुत भी करे तो हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं फेक है, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, आप कैसे जज कर सकते हैं? तो वो जो इमेज बनाना है, चाहे किसी के लिए अच्छी इमेज बना देना हो, चाहे किसी के लिए बुरी इमेज बना देना हो। अब रिया चक्रवर्ती वाले मामले में मतलब इतना आपने किसी को नेगेटिव 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 बता दिया कि कोई मेरे ही बारे में बोलने लगे कि मैं इतना घटिया हूँ, तो मैं महसूस करने लगूँगा यहाँ मैं ऐसा ही होऊंगा। और फिर अभी कुछ ही दिन पहले जब ये रिपोर्ट आई है एम्स की, तो पता चला नहीं सुशांत ने सुसाइड ही किया था, अब वो उसमें कितने सवाल हैं, क्या हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा इसी मीडिया को अपनी भूमिका साफ रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप पत्रकारिता का पेशे में रहे हैं, तो एक बेहतर ढंग से सोच रख सकते हैं, समझ। एक थोड़ा सा गंभीर सवाल आपसे और लेना चाहूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप लोग, जो आपने बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार से जाते हैं, कई सारे कमेंट आए हैं कि जो छोटे लोग होते हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए उस जबान से कि जब आदमी एक बड़े, मतलब खासकर महिलाओं के प्रति बड़े आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि डायरेक्टर के साथ ये करना, डायरेक्टर के साथ वो करना, तब जाके कंगना रनौत जैसी, मतलब एक, मैं नाम तो खैर नहीं लेकिन ले ही चुका हूँ, तो आपका इस पे क्या कहना? मैं खुल के मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देखिए उसको बॉलीवुड में और मीडिया की भाषा में कास्टिंग काउच जैसा एक शब्द दिया गया है, शोषण कि शोषण कह लीजिए होता है। लेकिन यहाँ पर फिर वही एक बात है कि अगर आप नहीं चाहेंगे अपने साथ कोई भी गलत काम होना तो कोई कर नहीं सकता। हाँ, सहमति तो आपकी सहमति होती है, कई बार आप जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, आपको लगता है कि 2-4 साल का आपका स्ट्रगल बचेगा, चलो तो ये एक छोटा रास्ता है, इस माध्यम से चले जाते हैं। लेकिन छोटे रास्तों के माध्यम से जाने वालों से मेरा एक सवाल ये है, आपको ये क्यों नहीं लगता कि जब कैमरा ऑन होता है तो कैमरा ये नहीं देखता कि आप किसके सोर्स से आए हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पावरफुल हो, कैमरा ये देखता कि आप क्या हो, आप दिखाओ आपके अंदर कितना टैलेंट है।
बिना नाम लिए मैं आपसे कहता हूँ कि बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टारों के बच्चे क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो पाए, क्यों नहीं चल पाई उनकी फिल्में? अगर इसी सब रुतबे से सब कुछ चल जाता तो वो हिट हो जाते। अब मैं कैमरा फेस करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है कैमरे की लाल बत्ती जलती है ना, तो ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, कहाँ से आए हो, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं। वो कहता दिखाओ जो हो, हम सामने देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। फिर कोई नहीं पूछता कि मेरे चाचा अमिताभ बच्चन हैं कि मेरे दोस्त शाहरुख खान हैं। तो आपको फाइनली मेहनत करके अपना टैलेंट डेवलप करना पड़ता है, तब ये विविधता आपके चरित्र में आ पाती है, आपकी भूमिका में आ पाती है कि आप नेगेटिव रोल भी करते हैं, आप कॉमेडी रोल भी करते हैं, आप तमाम तरह की विविधताएँ कर पाते हैं। तो शॉर्टकट की लाइफ बहुत लंबी है नहीं। संदीप यादव के जीवन में कोई शॉर्टकट रहा या अपना अभिनय ही रहा, प्रतिभा रही या फिर किसी का सहयोग रहा? मेरे जीवन में तो कोई शॉर्टकट नहीं रहा, मेरा तो बहुत लंबा संघर्ष है, मतलब 20-22 साल जीवन के मेरे इसी में निकल गए कि किस रास्ते से पहुँचूँ, क्या करूँ। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं शूटिंग पे होता हूँ, कैमरा ऑन होता है तो मैं उतना ही कॉन्शियस होता हूँ जिस दिन मुझे लगता था मैं पहले दिन था। आज भी मेरी बत्ती जली रहती, करे डायलॉग भूल तो नहीं जाऊँगा, सब सही तो कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो मैं चार बार जाके अपने डायरेक्टर से पूछता हूँ, सर ठीक किया? चार बार जाके मैं अपने कैमरा मैन से कहता हूँ, सर मैं ठीक लग रहा हूँ, ठीक है ना, ओके है ना? वो जब ओके करते तो मुझे लगता है कि ठीक है। तो मुझे तो कोई चीज़ आसानी से मिली नहीं, सब कुछ संघर्ष, कितनी सारी फिल्मों में, सीरियल में, मैं कहीं भीड़ में पीछे खड़ा हूँ, ऐसे एक आदमी खड़ा देख रहा है। ये CID एक सीरियल आता था, CID के पुराने एपिसोड्स अगर अभी भी कभी आ जाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे, अरे एक आदमी उधर से निकला था आपके जैसा लग रहा था, तो बोलता हूँ नहीं नहीं मैं नहीं था, लेकिन मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं। संदीप, लोगों के विचारों में कैसा परिवर्तन आया? एक वो दौर था जब आपके संघर्ष का दौर था, और ये एक दौर ये है कि जब आप एक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, एक जगह पे खड़े हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएगा। चूँकि ये ये है कि बहुत से दोस्त जो या बहुत से रिश्तेदार या घर में भी, घर के भी बहुत सारे सदस्य जो नहीं मिलना चाहते थे, जो थोड़ा अवॉइड करते थे, जैसे मैं किसी शादी फंक्शन में जाता था तो कहते, अरे यार ये भी आ गए, भागते थे। अब मैं कहीं होता हूँ तो लगता, अरे नहीं नहीं हमारे तस्वीरें खिंचाए, मौसी के बेटे हैं भैया, हमारे मामा के बेटे हैं, और अरे ऐसा थोड़ी है, आओ आओ तो मिलवा दें। तो वो तो ये बड़ी एक होता, समय के साथ साथ लोगों की भावनाएं, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो अब कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनके लिए मेरे मन में बहुत कुछ होता था कि यार इनको बताऊंगा एक दिन, उनको अब नहीं होता, मैं लगता है ठीक है यार, उनकी गलती नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कुछ, अब वो जब मुझे देख नहीं कहीं तो ठीक है, खुश होते हैं, तो मैं भी इंजॉय करता हूँ कि चलो अच्छा है। अच्छा, महानगरीय शहरों के प्रति आपका रवैया कैसे रहा? थोड़ा सा नहीं, मैं आज भी अपने शहर से प्रेम है, लगाव है, आज भी मुझे अपना शहर पसंद है, आज भी मुझे लखनऊ पसंद आता है। और मैं आपके माध्यम से बात बता दूं, चूँकि शायद ये लोग अभी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, मेरा गांव यहीं बहुत नज़दीक में है, शहीद पथ के पास में खुदई बाज़ार एक जगह है। दर्शकों को मैं ये भी बताऊंगा कि संदीप जी हमारे बिल्कुल एकदम लोकल के हैं, लखनऊ के हैं, तो इस बारे में बड़ी अच्छी लग रही है तो, और ये लखनऊ के लिए बड़ा फख्र की बात है। हाँ, आप सब लोगों का ये प्यार है। तो मेरा गाँव यहीं पास में है, कुंवर बहादुर खेड़ा गाँव का नाम है। तो मैं अभी भी गाँव में रहता हूँ, मुझे शहर पसंद नहीं है, मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, गांव जाऊँगा। गांव में टिपिकल अगर कभी कोई आके देख ले तो मुझे खेतों में घूमते पाएगा, खेतों पे काम करते पाएगा, आम की बाग में घूमते पाएगा। तो मैं अभी अभी अपने खेतों में काम करता हूँ, घर का सारा काम धाम देखता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ, घर है मेरा, तो जब मन हुआ तो यहाँ आने। तो आज भी मुझे गाँव का जीवन बड़ा पसंद है, मैं बिल्कुल ठेठ देसी आदमी हूँ, उसी परिवेश में रहना पसंद करता हूँ। मुझे महानगरीय सभ्यता पसंद नहीं आती, इसलिए बहुत बार को मुझे लगता है कि नहीं मैं बम्बई जैसे शहर में अनफिट हूँ। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा ये सीरियल लखनऊ में, इसकी शूटिंग हो रही है, तो यहाँ होने की वजह से मैं आसानी से अपने गांव चला जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, हम बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा शो, हम मुझे भी लगता है, मैं भी देखता हूँ। और भाई संयोग से चल रहा है, क्या चल रहा है? तो इसकी शूटिंग भी लखनऊ में हो रही है। जी जी, थोड़ा सा बताएं इसके बैकग्राउंड के बारे में, कैसा ये इस सीरियल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इस विषय पर आज तक टीवी इंडस्ट्री में कोई सीरियल आया नहीं, कि लखनऊ जैसा एक शहर जिसे गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, एक हवेली है, उस हवेली में एक हिंदू फैमिली रहती है, एक मुसलमान फैमिली रहती है, दोनों की आपस में नोकझोंक है, दोनों के आपस में तनातनी है हवेली की पर दावेदारी को लेकर कि ये हवेली मेरी है, मुस्लिम फैमिली कहती है मेरी है, हिंदू फैमिली कहती है मेरी, इनकी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है,
द्वेष नहीं है, कोई मार काट की भावना नहीं है, कोई मुसीबत आती है दोनों में से एक किसी भी परिवार पे तो दोनों एक हो जाते हैं। और इसी मोहल्ले में पप्पू पांडे एक नेता है, बिट्टू कपूर एक नेता है, जो कोशिश करता है इन दोनों को लड़वा दें, लेकिन लड़वाता भी है, थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर बाद में एक हो जाके हम दोनों को पीछे कर देते हैं। तो ये लखनऊ में संभव है, ये अवध में संभव है, ये गंगा जमुनी तहजीब जिसमें हम लोग पले बढ़े हैं वहाँ संभव है। तो इस सीरियल के माध्यम से हम लोग ये खूबसूरती भी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये कल्चर लखनऊ का है, जहाँ हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। का सीरियल आपका रहा भाभी जी कानपुर के अनु अवस्थी के साथ कह लीजिए, या फिर आपकी एक सब्जी वाले की भूमिका रही, तो उसके बारे में थोड़ा सा भाभी जी। वो सीरियल भी इसी चैनल का था, NTV का, तो वो चार साल पहले मैं उसमें काम करता था, एक सब्जी वाले की भूमिका थी। तो पहली बार कॉमेडी में टीवी के दर्शकों ने मुझे उस सीरियल के माध्यम से ही अच्छे से जाना, क्योंकि वो एक अच्छा कैरेक्टर, एक लोकप्रियता उस सीरियल से ही मिली थी। तब से लोगों ने जाना कि भाई मैं अच्छी कॉमेडी भी कर लेता हूँ, नहीं तो उससे पहले मैंने बहुत सीरियस रोल किए, नेगेटिव रोल किए। तो उस सीरियल का हमेशा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसके माध्यम से टीवी इंडस्ट्री ने मेरे अंदर छुपे हुए इस हास्य कलाकार को भी जाना, और फिर उसी चैनल के माध्यम से, उसी शो के माध्यम से तमाम सारी कड़ियाँ जुड़ती गईं, ये शो जुड़ा, ये बना, इस शो में काम कर रहा हूँ। बॉलीवुड की कौन सी ऐसी फिल्म रही जिसने आपको अब तक का सबसे ज़्यादा अंदर से खुश कर दिया हो कि हमने ये फिल्म की, तो एक अच्छा सा अनुभव अगर आप शेयर करें थोड़ा सा। दो फिल्में रही, मतलब एक फिल्म का तो नाम नहीं ले सकता, दो फिल्में, एक पहली बाटला हाउस जो जॉन अब्राहम के साथ थी, और दूसरी थी थप्पड़। बाटला हाउस ने एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश किया, और थप्पड़ ने क्रिटिकली एक्लेम्ड किया, चूँकि थप्पड़ को अभी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, चार फिल्म फेयर अवार्ड मिले।